शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। अरे अनुज जी, आप क्या कर रहे हैं? आप फोन लगाइए अभय को, पूछिए उससे वो कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं आया है। भैया अब तो हमें भी बहुत चिंता हो रही है, अब तक तो बच्चों को आ जाना चाहिए था। अरे जब तक इस घर में दीदू है ना, कुछ सही नहीं हो सकता। अरे तुम साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? बीबी जी तो बस यही कह रही है कि आपकी बहुरिया कर दिखाई है, आरती की थाल सजवाई लो चाची जी, आपकी सौतन का स्वागत आपको फिर से करेगा पड़ी। हाँ वो आ गए। नहीं वो नहीं आ सकती है, वो नहीं आ सकती है। दीदू आप जितना इस परिवार को बचाने की कोशिश करेंगे ना, उतनी तेजी से रिश्तों की डोर टूटती जाएगी। अब हम भी देखते हैं कैसे बचाती हैं आप इस परिवार की शांति को। रुक जाओ, शांति भंग करने फिर आ गई है दोनों। हमारे घर के चौखट को लांघने का सोचना भी मत। हमने तुम्हें मना किया था ना कि इन दोनों को घर से बाहर रखो, मना किया था कि नहीं? तो फिर ये यहाँ क्यों है? मम्मी जी हम तो खुद इन्हें महिला सेवा संस्था छोड़ के आए थे, और वो गुंडे वहां पर भी आ गए, वो इन पे हमला करने वाले। कोई बहाना ढूंढ ही लेती हो ना इन्हें घर वापस लाने के लिए। मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, हम वो बस बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, तुम्हें अपनी जिद से पीछे नहीं हटना है ना, तो ठीक है ले जाओ इन्हें अंदर। लेकिन इसके बाद हम घर के अंदर कदम भी नहीं रखेंगे, यही बाहर सड़क पे रहेंगे। अरे मम्मी मम्मी उठे, ये क्या पागलपन है, हम अंदर चल के शांति से बात करते हैं ना। अरे शांति तो नहीं रही है इस घर में, हम घर के अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक ये दोनों यहाँ से नहीं जाते। बस भाभी आज ना आपने बिल्कुल सही हड़ताल बिठाई। अरे वो गुंडे जो महिला संस्था में घुस के हमला कर सकते हैं, जहाँ इतनी सुरक्षा का वादा करते, तो इस घर में तो बड़ी आसानी से घुस के हमारा गला काट देंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप बुआ जी। अरे हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक इन्हें पुलिस के पास क्यों नहीं लेकर गए, अब पुलिस ही इनका ख्याल रखेगी, सही सुरक्षित आश्रम में पहुंचा सकती है ना, वहाँ इन्हें जगह दिलवा सकती है। देख रहे सब है? हमारी प्यारी बीबी जी पुलिस में रहे ना रहे, सुझाव एकदम टपट टप देवे। अरे हम तो कहते हैं कि ऐसन सोच को फौरन मेडल पहना दिया जाए, क्या कहती बीबी जी? हमारे परिवार के मामले में तू ना ही बोल तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, कोई कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है ले जाओ इन्हें अंदर और इस माँ को बाहर ही रहने दो। मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? एक बार अभय की तरफ से भी तो सोच के देखिए, कितना प्यार करते हैं वो आपसे, मगर वो अपनी माँ को भी इस तरह से तो नहीं छोड़ सकते ना। मैं सच कह रही हूँ, जिन हालात में हम इन्हें वहां से लेके आए हैं ना, वहां पे फिर इन्हें अकेले छोड़ना ये नहीं हो पाएगा। वो सब हमें कुछ नहीं पता, ये हमारा बेटा है, हमने इसे पाला है और ये हमारे साथ ही रहेगा। और दीदू आप सिर्फ अभय के बारे में सोच रही हैं, चाची जी का क्या, घूम गई उन्हें, किसी को समझ में आ रहा है
की चाची जी पे क्या बीत रही होगी, कैसा लग रहा होगा उन्हें, एक ही छत के नीचे अपने सौतन के साथ कैसे रहेंगी। जुबान संभाल के बात करो कीर्ति, अपनी माँ के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। और चाची जी का क्या हा? माना उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, पर तुम्हारी सगी माँ से ज्यादा प्यार करती है वो तुम्हें। बिल्कुल हाँ। अबे तुम जो भाभी का बेटा नहीं है, बोल तो ऐसे ही रहे। अरे इससे बता रहे हैं ना अभय की माँ, पर ये इतने सालों से थी कहाँ, पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ। ये क्या कह रही हैं आप है? ऐसी शर्मनाक हरकत का मोहल्ले में कौन प्रदर्शन करे है? ये तो अभय के बाबूजी का पिछला कुकर्म रहे जी, सीने में दबाए रखे हैं, अभी फूट कर बाहर आ रहा है। अरे बहरी मत चक्कर चला रहा बापूजी का ही आंटिया के साथ। बेचारी तनुजा, पहले पति बेवफाई करा और अब बेटा दलबदलू निकला। सही बात है। अरे तनुजा भाभी तो अपने बेटे पे जान छिड़कती है, हमने देखा है। और अब ये बेटे को देखो, वो पैदा करने वाली माँ आ गई तो पालने वाली माँ को सड़क पे छोड़ दिया। तनुजा जी अंदर चल के बात करते, देखिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है यहाँ पर। मोहल्ले में एक चिंगारी निकली है त्रिपाठी निवास से, अब वो आग बन जाएगी और धीरे धीरे पूरे कानपुर में फैल जाएगी और फिर हमारे परिवार का बनेगा मजाक। घर का तमाशा बंद दरवाजे के पीछे ही हो तो बेहतर है, चलिए ना। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, जब तक ये दोनों इस घर से बाहर नहीं जाते हम कहीं नहीं जाएंगे। चाहे कुछ भी कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा जी आप इन लोगों को जानती है ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचती हैं, ये सिर्फ बातें बनाएंगे, आपकी ममता का मजाक बनाएंगे। तनुजा जी ऐसा मत होने दीजिए, मेरी बात मानिए, अंदर चलिए प्लीज। अभी चलिए ना। बेटा सिर्फ पैदा करने से कोई मां नहीं बन जाता, इस बात को हम मानते भी हैं और हमने किया भी है। माना कि हमने तुम्हें अपने खून से नहीं सींचा, लेकिन हमेशा हमेशा अपने प्यार से और अपनी ममता से तुम्हें पाला है। तुम्हें हमने बेटा अपनी जिंदगी दी है, शायद इसीलिए ये माँ आज अपने बेटे की खुशी के लिए हार गई। चलो क्या चल रहा है बेटा। वो तनुजा बहुत नाराज होकर गई है। मम्मी को मैं मना लूंगा, आपने सुना ना उन्होंने क्या कहा, वो मुझे खुश देखना चाहते हैं। चलिए आप अंदर चलिए, आइए। आ
आपकी खुशी के लिए वो दुनिया के सामने अभी तो हार गई, पर घर के अंदर की शांति में जाने क्या तूफान लाने वाली है मम्मी जी। माँ, आप कमरे में जाके आराम कीजिए। नहीं बेटा, तुम्हें हमारी कसम, रुक जाओ वहां सब। ये है हमारे घर की लक्ष्मण रेखा। और इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की इजाजत हम नहीं देते हैं इस औरत को। मम्मी, फिर से शुरू हो गया आपका ये सब। हद हो गई आपके पागलपन की भी। आपके तमाशे रुक ही नहीं रहे। है आप मम्मी जी से किस तरह से बात कर रहे हैं? अरे तुम उन्हें समझाओ ना, हर बात में तमाशा करने लग जाती हैं। अरे तमाशा तो तुमने बना रखा है हमारे घर को। पहले श्रद्धा अपनी जिद में इस दिव्यानी को इस घर में लेकर आती है, और अब तुम अपनी जिद पर। और उस घर में हो रहा है ये जो घर तनुजा जी का है। अनुज जी, आप इस तरह हमारे जवान बेटे को ऐसे नहीं डांट सकते। आप बीच में ना बोले तो बेहतर होगा। ये घर हमारा है, ये बात भूले ना। और हमारे घर के मामलों में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको क्या लग रहा है जो कुछ इस घर में हो रहा है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा? सालों पहले जो कुछ भी हुआ ना, वो मैं अभी तक भूला नहीं हूं। सालों पहले जो कुछ भी हुआ वो सब आप ही का किया दर है। आपको भूलना भी नहीं चाहिए। और ये जो गलतियों की शुरुआत है ना, वो भी आप ही से हुई है। अबे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने पापा के साथ इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हो। अबे, एक बात तुम हमारी कान खोल के सुन लो। ये घर जो है ना, वो तनुजा जी का है। और तनुजा जी ने ये फैसला लिया है कि ये दिव्यानी इस घर में नहीं रहेगी। इसका मतलब ये पूरे घर का फैसला है। आशा में यहाँ आते ही नहीं, हमारी वजह से सब लड़ रहे हैं। ओ हीरोइन, तुमको यहाँ कोई भाव दे नहीं रहा है तो खुद बीच में कूद के खुद ही को भाव दे रही हो। यहाँ तुम्हारी कोई बात नहीं कर रहा है, तुम्हारी ये जो माँ जी है ना, उसकी बात हो रही है। सारे फसाद की जड़ ये औरत है। श्रद्धा, इस घर की बहू होने के नाते तुम्हें बहुत छूट मिली है, तुमने बहुत मनमानी की है, लेकिन अब नहीं। और अब है बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम किसी भी ऐसे परीक्षा से गुजरो जिसमें तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो। लेकिन अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये जो लक्ष्मण रेखा का फैसला है, ये अब नहीं बदलेगा। और अब है बेटा, अब तुम्हें भी एक फैसला लेना होगा कि ये देवयानी तुम्हारी माँ है या हम तुम्हारी मम्मी। तुम जिसे भी चुनोगे, सिर्फ वही इस घर में रह सकती है।
अब ये आया ना कहानी में धमाका, हमें हमारा लक्ष्य पूरा होता हुआ दिख रहा है। घर में, रिश्तों में लकीरें खिंचने लगी हैं। उनका तो अंदाजा ही नहीं रहा कि ये घर ना ही तो पूरी मनोरंजन की दुकान है। क्या लगता है कि अभय बबुआ कौनों पे सट्टा खेल रहे हैं? लग जाए सोसो की शर्त। भाभी आपने ये क्या शर्त रख दी? अरे हमें जो कहना था हमने कह दिया। अबे अब तुम्हारे कहने की बारी है, तुम किसे चुनोगे? अपनी जान देने वाली माँ को या अपनी जिंदगी देने वाली माँ को? मम्मी, ये घर आपका है, आप कहीं नहीं जाएंगी। मुझे गर्व है अपने बेटे पर कि उसने तुम्हें चुना। मम्मी जी, मैं आपकी नाराजगी समझती हूँ, मगर प्लीज कुछ दिनों के लिए आप उन्हें यहां रहने दीजिए। अभय को अपनी माँ के साथ कुछ वक्त बिताने का जो मौका मिला है उसे मत छीनिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभय, ये सब क्या है? क्या आप अपना बैग क्या कर रहे हैं आप? अभय, मैंने हमारा सामान बांध दिया। हम भी माँ के साथ जा रहे हैं। माँ के साथ जा रहे हैं। अबे चलिए अंदर, मुझे आपसे इस बारे में कुछ बात करनी है। चलिए, कुछ सुनने को बचा नहीं है श्रद्धा, ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं, ये गलत है अबे। क्या गलत है? तुमने सुना ना, मम्मी ने शर्त रखी, ये घर मम्मी का है, वो कहीं नहीं जाएंगी। पर मैं इस हालत में माँ को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। यही सबके लिए बेहतर है, सब शांति से रहेंगे। मैं थक गया हूँ ये रोज रोज के तमाशों से। तमाशा? अब है लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम घर छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब और ये परिवार एक है, इस तरह से परिवार को तोड़िए मत। अबे हम कहीं नहीं जाएंगे, अबे हम यहीं रहेंगे, समझे आप? ये गलत है अबे। नहीं, बस श्रद्धा, ये मेरा आखिरी फैसला है। हम जा रहे हैं।
या तो अब तुम मेरे साथ जाओगी या तो मेरा मरा मुंह देखोगी। कहती है दुनिया कि खून अपना असली रंग कभी ना कभी दिखाई देता है और तुमने साबित कर दिया कि तुम इसी के बेटे। कमता जी, ये कभी बेटा हमारा था ही नहीं। जाने दीजिए। जाने दीजिए क्या? पापा आप ये क्या बात कर रहे हैं? जाने कैसे दीजिए? आपको भैया को रोकना चाहिए और आप है कि भैया आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। आप हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। मैं आपको घर में जाने दूंगी भैया। अबे बहुत लड़ाई झगड़ा कर लिया तुमने, बंद करो ये नाटक। तनुजा भाभी तुम्हारे बिना मर जाएगी। तुम क्यों कर रहे हो ये सब? बुआ जी, मैं क्या कर रहा हूँ? आपने सुना ना मैंने क्या कहा? उन्होंने शर्त रखी है। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो उन्होंने मुझसे कहा है। चलो माँ। था मैं दोबारा नहीं कहूंगा। हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। मम्मी जी की हालत बहुत खराब हो गई है। अबे कुछ नहीं खा रही है वो। पानी का एक बूंद तक नहीं पिया है उन्होंने। मैं अभी आ रहा हूँ। कुछ नहीं होगा मम्मी को। अभय वापस आ रहे हैं मम्मी जी। आप प्लीज खाना खा लीजिए। तुमने इस बार हमें धोखा दिया और अभय वापस नहीं आया ना तो हम तुम्हें कभी नहीं माफ करेंगे। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।